हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद की सो आई आई टी एच की तरफ से अपडेट आई हुई है पी एच डी से रिलेटेड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बट पहले ही क्लियर करने के लिए देखिए जो ओवरऑल एडवर्टीजमेंट होता है सभी डिपार्टमेंट के लिए वो अभी नहीं आया हुआ है वो वाले रेगुलर पी एच डी प्रोग्राम ओपन नहीं है डिपार्टमेंट वाइज नोटिफिकेशन आया हुआ है पी एच डी के लिए ही तो हम उसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कवर करेंगे そう。Okay. So वन बाई वन हम देखेंगे डिपार्टमेंट को जिसमें ये नोटिफिकेशन आए हैं अगर आपका डिपार्टमेंट है तो गुड आप देख सकते हैं अदरवाइज आप स्किप कर लीजिएगा इस वीडियो को सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा विच इज़ आई आई टी एच डॉट ए सी डॉट इन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो मेन्यू टैब हम ओपन करेंगे देन अकेडमिक्स का ऑप्शन एंड देन एडमिशन्स एमिशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखेंगी पहले आपको सेलेक्ट करना होगा प्रोग्राम लेक्ट डॉक्टोर प्रोग्राम एंड देन यहाँ पे आपको सभी डिपार्टमेंट्स के लिंक दिख रहे हैं सो so, आपका जो डिपार्टमेंट है आप एक बार उस पर विजिट करके देख लीजिएगा हम क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सभी डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पर अभी विजिट किया है एंड मुझे पता है कि कहाँ कहाँ नोटिफिकेशन है तो हम डायरेक्टली उन्हीं डिपार्टमेंट्स को देखेंगे सो so, नोटिफिकेशन बायोटेक केमिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है बाकी सभी डिपार्टमेंट्स का अभी कोई भी अपडेट नहीं है सो so, आप इसक कर सकते हैं अगर आप किसी और डिपार्टमेंट के हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक को हम ओपन करेंगे देन ओपन होगा ये वाला पोर्टल जो कि बेसिकली डिपार्टमेंट की वेबसाइट है सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्क्रॉल करने के बाद है यू कैन सी एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम लास्ट डेट ट्वेंटी एट फिफ्टी ट्वेंटी टू सो चलिए इसे ओपन करते हैं एंड देन देखते हैं सो so, ये है नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन ब्रोशो फेफ्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू आई आई टी हैदराबाद डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी सो स्क्रॉल करेंगे देन यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन है एरियाज़ आप देख सकते हैं अप्लाइड एंड है, बेसिक रिसर्च दोनों होती है एरियाज़ में एनिमल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी देन कंप्यूटेशन बायोलॉजी ए आई सरकार्डियन बायोलॉजी सेल सिग्नलिंग कैल्शियम सिग्नलिंग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं तो अगर आपको इनमें से किसी भी एरिया में इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हैं पी एच डी ओ देन यहाँ रिसर्च एरियाज़ है सो स्पेसिफिकली देखिए इन रिसर्च एरियाज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दो फैकल्टी है जिनके अंडर अभी पोस्ट है राइट डॉक्टर हिमांशु एंड डॉक्टर टी रति नविलम ओके सो so आप इसको चेक कर लीजिएगा एरियाज उनके देख लीजिएगा एंड अगर इंटरेस्टेड हूँ तो अप्लाई कीजिएगा नाउ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो येस गाइज फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए सो मस्ट हैव फेलोशिप फ्रॉम एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी एंड चाहे वो सी एफ सी एस आई आर हो या यू जी सी हो या डी बी टी जे आर एफ कैटेगरी वन हो या कोई और नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन हो आप साथ में आपको फेलोशिप मिले ओके देन टॉकिंग अबाउट क्वालिफाइंग डिग्री सो एम टेक किया है किसी भी लाइफ साइंस के अलाइड एरिया में साथ में जे आर एफ है तो येस यू आर एलिजिबल देन सिमिलरली एम एस सी है लाइफ साइंसिस के अलाइड एरियाज में एंड जे आर एफ है एम एस सी इन फिजिक्स या केमिस्ट्री है एंड के साथ में जे आर एफ है बी टेक या बी ई किया है आपने एंड देन जे आर एफ हो एम किया है एम डी किया है एंड साथ में वैलिड एक्सटर्नल फेलोशिप है या फिर बी टेक या बी किया है एम एस सी एम टेक कम्प्यूटर साइंस में किया है साथ में वैलिड जी आर एफ ओ मार्क्स में जनरल कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया सिक्सटी थ्री परसेंट का है फॉर ओ बी सी डब्लू एस एट सिक्सटी टू परसेंट एंड एस सी एस टी के लिए क्राइटेरिया है सिक्सटी परसेंट मार्क्स का जिन भी कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस है या उन्हें इंटरेस्ट है कंप्यूटेशन बायोलॉजी में डाटा माइनिंग में मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग में एंड मोलिकुलर मॉडलिंग में सो so आपको प्रेफरेंस मिलेगी एंड आपको इनक्रेज भी किया गया है अप्लाई करने के लिए प्लीज़ क्राइटेरिया देख लीजिएगा कि आप फुलफ़िल करते हो तभी अप्लाई कीजिएगा एंड देन सेलेक्शन प्रोसेस सो गाइज बेसिकली यहाँ पे बस आपको उनका अपना क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे शॉटलिस्ट किया जाएगा ठीक है एंड उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का डायरेक्टली इंटरव्यू होगा एंट्रेंस जैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा ओके देन हाउ टू अप्लाई सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन फी पे करनी है आप एस बी आई कलेक्ट के थ्रू करेंगे करने के बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पहले एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन देन पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फिर पे करेंगे ठीक है देन पेमेंट रिसीट जो है वो आपको सबमिट करनी है सो so उसे डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद आपको अपना कंप्लीट सी जिसमें डी ओ बी हो अकेडमिक क्वालिफिकेशन हो मार्क्स हो देन स्टैंड मार्क्सिट्स होंगे ठीक है लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री दैट इज मास्टर्स है या जो भी है उसकी वैलिड जी आर एफ का सर्टिफिकेट एंड पेमेंट रिसिप्ट ये सभी आपको भेज देने हैं इस पर्टिकुलर ई मेल आई डी पे पी एच डी आंडर स्को बायोटेक एट द रेट आई आई टी एच डॉट ए सी डॉट इन पे ओके okay. सो so, इस ई मेल आई डी पर आप ये सभी मेल कर देंगे एंड इसकी लास्ट डेट है ट्वेंटी एट ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो उससे पहले मेल कर दीजिएगा एंड यही एप्लीकेशन का ओवरऑल प्रोसेस है सो so, ये था नोटिफिकेशन बायोटेक से रिलेटेड अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग सो so यस yes, ये वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग की सभी की सब सेपरेट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सो so यहाँ पे यू कैन सी एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन अंडर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट ठीक है सो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के अंडर अगर आप चाहें और आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं एंड वन मोर थिंग इन सभी डिपार्टमेंट का जो रेगुलर पी का फॉर्म होता है ठीक है वो आई थिंक फेब मार्च में आ जाएगा फेब आई थिंक चल ही रहा है मार्च या अप्रैल तक नोटिफिकेशन आएगा सो so उसमें भी सभी डिपार्टमेंट्स रहेंगे ओके so सो चलिए ओपन करते हैं पहले एडवर्टीजमेंट को सो यस एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर पी एच डी एडमिशन एंड स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट्स फंडेड बाई एजेंसीज लाइक एस सीआरबीएसटी टाटा स्टील एंड एन एस है इन क डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल्स एनपीआई के नाम दिए हुए हैं so सो अगर आपको इनमें से किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो अगर आप इंटरेस्टेड हों आपको इंटरेस्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपॉइंटमेंट का ड्यूरेशन कितना होगा वो यहां पर लिखा हुआ है उसके बाद है एलिजिबिलिटी कंडीशन सो आपके पास अगर एम टेक एम ए डिग्री है केमिकल इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल हैं फॉर टू अप्लाई फॉर जे आर एफ पोजिशन ओके नेक्स्ट सी जी पी ए रिक्वायरमेंट जो बी बी टेक फर्स्ट क्लास एंड देन एम ई एम टेक एट्स सी जी पी ए के साथ आपके पास होना चाहिए फेलोशिप एंड अलाउंसेस कितने मिलेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं देन हाउ टू अप्लाई सो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपने अपडेटेड सी वी को जिसमें करस्पॉन्डिंग एड्रेस डी ओ बी फोन नंबर ई मेल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस पब्लिकेशन एक्सेट्रा सभी इंफॉर्मेशन होगी उन उसे आपको भेज देना है इस पर्टिकुलर ई मेल आई डी पर ठीक है एंड आपको मैक्सिमम थ्री प्रेफरेंस देने जैसे आपने लिस्ट देखी प्रोजेक्ट्स के उनमें से किन थ्री प्रोजेक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं वो आपको प्रेफरेंस देना होगा वन टू थ्री एंड मेल का सब्जेक्ट हुआ एप्लीकेशन फॉर पी एडमिशन एंड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स लास्ट डेट ट्वेंटी फाइव है सो so उससे पहले आप मेल कर दीजिएगा बाकी सभी इंटरव्यू और डेट्स डिटेल्स ये सभी आपको बाद में ईमेल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा ओके ऑनलाइन इंटरव्यू ही होगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो सो so येस yes, अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िज़िक्स की सो यस डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िज़िक्स सो फिज़िक्स डॉट आई आई टी एच डॉट ए सी डॉट इन यहाँ पर आप अनाउंसमेंट सेक्शन में आएंगे सो so ये अनाउंसमेंट जे आर एफ पोजिशन के लिए है स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट है डी एस टी एस सी आर बी स्पॉन्सर्ड सो इसे ओपन करते हैं सो येस प्रोजेक्ट टाइटल स्कानेटिक स्केल कर इंड शीट्स एंड वेव इंट्रैक्शन इन स्पेस प्लाज्मा ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इनिशियली वन ईयर का है एक्सटेंशन हो सकता है वन मोर ईयर का मंथली कॉम्पन्शन यू कैन सी थर्टी वन थाउजेंड प्लस है चार ए दिन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में एम एस सी इन फिजिक्स है या बी टे है इंजीनियरिंग फिजिक्स या फिर क्लोजली रिलेटेड फील्ड्स में सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ या इक्वलेंट सी टी पी ए है तो आप एलिजिबल हैं डिजायरेबल में नेट या गेट है बट मैंडेटरी नहीं है ठीक है एंड बाकी आपको प्लाज्मा फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह आना चाहिए सब डिजायरेबल है एज लिमिट ट्वेंटी एट ईयर्स का है उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए देन यू कैन सी अबाउट द प्रोजेक्ट्स अबाउट द प्रोजेक्ट कुछ इंफॉर्मेशन है कोई इशू है कोई क्वेरी है सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ई मेल आई डी पे डॉक्टर किरत को राइट देन एप्लीकेशन प्रोसीजर्स सो एक सिंगल पी डी एफ फाइल आपको प्रिपेयर करनी है जिसमें ये सभी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे ठीक है उसके बाद आपको वो ई मेल कर देना है इनकी ही पर्टिकुलर ई मेल आई डी पे एंड सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन फॉर डी एस टी Soon. जे आर एफ ठीक है डी एस टी एस सी आर बी जे आर एफ के लिए एप्लीकेशन है ना सो so ये रहेगा आपका सब्जेक्ट लाइन इसकी लास्ट डेट है ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ फिफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके देन सिलेक्शन प्रोसेस है सो बेसिकली इंटरव्यू ही होगा तीनों ही डिपार्टमेंट में तो वाइज अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं एंड बाकी जो और भी आपकी रिक्वेस्ट हैं विल ट्राई उसे एंटरटेन करें बट द थिंग इस टाइम का बहुत इशू हो रहा है सो so इसलिए एडवर्टीजमेंट जे आर एफ एंड बाकी जो और पोस्ट हो रही हैं आ रही हैं उसे हम कवर नहीं कर पा रहे हैं सो आई विल ट्राई कि कवर कर सकें सो एनी वेज अभी के लिए यह था वीडियो डू शेयर दिस वीडियो एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग